घर चली जाऊँ, तो मैं अपने घर चली गई उस दौरान। पैदल अपने घर गई? हाँ पैदल अपने घर गई थी। कहाँ आपका घर था? मेरा घर वहीं से थोड़ी सी दूरी था, सीवन की तरफ। अच्छा था, हाँ जी। तो फिर जब न्यूज में जैसा कि आपने बताया, देखा आपने कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 से 13 किलोमीटर दूर घसीट कर लड़की को ले गया, तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की कोशिश? मैं उस टाइम बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए। बस मुझे यही ठीक लगा, मैं अपने घर पे। मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस लड़की को जान पूछ कर आगे लेके गए, उन्होंने जान पूछ कर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, आपके उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद एक दिन बाद, दो दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती? वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया, तो दो दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, और उस दौरान मैं बच गई। किस्मत इतनी अच्छी, मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। नहीं तो आप एक बार सीक्वेंस बताइए कि 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे, यहाँ? हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हम, वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा? हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, हैं, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं, किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी, मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे, उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी, है उसको हमने साइड भी करी हमने स्कूटी, उसने जान पूछ कर उसने ठोकी। और वो इतनी नशे में थी, उसको मतलब होश नहीं था, वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई। वो रो भी रही है, फिर भी उसको गाड़ी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की को निकाले उस गाड़ी में से। उसका कुछ फंस गया था, क्या फंस गया था ये मुझे भी नहीं पता। बस मैंने यहाँ से देखा, मैं बहुत होपलेस हो गई, और वो गाड़ी लेके भाग गए। जो लड़के थे उस लड़की को ही लेकर भाग गए, ऐसे के ऐसे आगे पीछे दो तीन बार करा, फिर ऐसे के ऐसे लेके भाग गए। उसी दौरान मैंने बस कुछ नहीं सोचा, मैं अपने घर चली गई। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है टक्कर हुई होगी, तो जो कार में बैठे पांच लोग होंगे उनको जानकारी तो होगी होगी कि एक्सीडेंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे, उन्होंने जान पूछ कर किया है, जो भी किया है। तो आपको चोट आई? हाँ, मेरे को सिर्फ आग पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ये हाथ? हाँ, हाथ फ्रैक्चर हुआ था मेरा, बस मुझे और कोई चोट नहीं है। उसको भी चोट नहीं आती अगर वो गाड़ी रोक के मतलब उस लड़की को निकाल देते तो। उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी, उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जान पूछ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। फिर वो आगे ले गए, आगे ले जाके उसका दम टूट गया होगा। आगे पीछे कर रहे थे? हाँ, आगे पीछे करी गाड़ी उन्होंने, कि वो सोच रहे कि छूट जाएगी लड़की, पर लड़की का कुछ ऐसा अटक गया था उसके अंदर, ऐसा चिपक गया था, वो लड़की छूट ही नहीं पाई उसके। तो जो आरोपी है जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते? नहीं, उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है। पर उन लड़कों ने जान पूछ कर हमें भेड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे। हमने साइड भी करी, पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भेड़ दी।
अच्छा, आगे से या बैक से? नहीं, आगे से, वो भी ऐसे आ रहे थे, हम भी सीधा आ रहे थे, मतलब सीधे आमने सामने की, आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है। और मैं, आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल, मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर ले गए। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया, बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है, जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती कि ऐसा? नहीं, उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम।